अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद पुश्रा। सो वी वर डिस्कसिंग पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। वी हैव डिस्कस्ड अप टिल सेक्शन 34। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स चैप्टर 6। But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. पंजाब टेनेंसी एक्ट के चैप्टर 6 के अंदर तीन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। सबसे पहली बात चीज़ जो डिस्कस की गई है वो है रिलिंक्विशमेंट, सेकेंड इज abandonment and third is ejectment। और ये तीनों टॉपिक स्टार्ट होते हैं सेक्शन 35 से ऑनवर्ड्स। अब हम इन टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर पहले दो टॉपिक्स जो कि रिलिंक्विशमेंट और अबंडेंटमेंट है इनको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इजेक्टमेंट को डिस्कस करेंगे। अब पहली चीज़ है रिलिंक्विशमेंट, इसका मतलब क्या है। सो अगर हम उर्दू में देखें तो रिलिंक्विश का मतलब है तर्क कर देना, ख़त्म कर देना। अब किस चीज़ को तर्क कर देना, हम स्टडी कर रहे हैं पंजाब टेनेंसी एक्ट। सो यहाँ पर भी बात की गई है रिलिंक्विशमेंट ऑफ द टेनेंसी, कि टेनेंसी को किस तरह से तर्क किया जाएगा। एक टेनेंट जो है वो अपनी टेनेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से रिलिंक्विश करेगा, जो ज़मीन उसने लैंडलॉर्ड से ली है उसको किस तरह से तर्क करेगा। सो इन टॉपिक्स के अंदर तीन तरह के टेनेंट्स को डिस्कस किया गया है। ऑक्युपेंसी टेनेंट की बात की गई है, फिक्स टर्म के लिए जो टेनेंट्स आते हैं उनकी बात की गई है, और थर्डली जो ऑक्युपेंसी टेनेंट्स नहीं है इन दोनों के अलावा बाकी जो टेनेंट्स हैं उनकी रिलिंक्विशमेंट किस तरह से होगी। सो हम वन बाय वन इन टेनेंट्स के अकॉर्डिंग इस रिलिंक्विशमेंट के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन 35 के ऊपर। सेक्शन 35 बात करता है रिलिंक्विशमेंट बाय अ टेनेंट फॉर द फिक्स टर्म, के फिक्स टर्म के जो टेनेंट्स हैं वो अपनी टेनेंसी की रिलिंक्विशमेंट किस तरह से करेंगे। अ टेनेंट होल्डिंग फॉर अ फिक्स टर्म अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और अ डिग्री और ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मे रिलिंक्विश हिज टेनेंसी विदाउट नोटिस एट द एंड ऑफ दैट टर्म। सबसे पहली बात की गई है कि अगर कोई टेनेंट है जिसने फिक्स टाइम पीरियड के लिए, फिक्स टर्म के लिए ज़मीन ली है लैंडलॉर्ड से, फॉर एग्जांपल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, एक ख़ास टर्म के लिए उसने वो ज़मीन लैंडलॉर्ड से हासिल की है। अब ये जो उनके दरमियान टेनेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में ये टेनेंसी उनको मिली है, कोर्ट की किसी डिग्री के थ्रू ये टेनेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कोई ऑर्डर था उसके अंडर ये ज़मीन दी गई है लैंडलॉर्ड की जानिब से टेनेंट को, तो इसकी रिलिंक्विशमेंट क्या हो, कैसे होगी, कि जैसे ही वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि जितने अरसे के लिए वो ज़मीन ली थी उस ज़मीन का वो अरसा मुकम्मल हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली विदाउट नोटिस रिलिंक्विशमेंट हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने वो ज़मीन ली है वो टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद रिलिंक्विशमेंट आसानी से हो जाएगी, टेनेंट को लैंडलॉर्ड को नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 36 के ऊपर। सेक्शन 36 बात करता है रिलिंक्विशमेंट बाय एनी अदर टेनेंट। अब एनी अदर टेनेंट से क्या मुराद है, कि फॉर एग्जांपल फिक्स टर्म के लिए कोई टेनेंट नहीं था, ऑक्युपेंसी टेनेंट नहीं है, उसके अलावा जितने भी टेनेंट हैं वो अपनी रिलिंक्विशमेंट टेनेंसी की किस तरह से करेंगे। सो सेक्शन 36 में तीन चीज़ों को डिफाइन किया गया है, तीन सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं। सबसे पहले जो बात की गई है सबसेक्शन 1, एनी अदर टेनेंट मे रिलिंक्विश हिज टेनेंसी बाय गिविंग वर्बली और इन राइटिंग टू हिज लैंडलॉर्ड और टू हिज लैंडलॉर्ड्स एजेंट ऑन और बिफोर द 15th डे ऑफ जनवरी इन एनी ईयर नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू रिलिंक्विश द टेनेंसी एट द एंड ऑफ एग्रीकल्चरल ईयर देन द करेंट। अगर फिक्स टर्म के अलावा कोई टेनेंट अपनी टेनेंसी की रिलिंक्विशमेंट करना चाहता है तो उसने क्या करना है, उस टेनेंट ने एक नोटिस देना है। किसको देना है, लैंडलॉर्ड को
या फिर लैंडलॉर्ड के एजेंट को वो नोटिस देगा, या तो वो नोटिस इन राइटिंग होगा, रिटन फॉर्म में होगा, या वर्बली वो जबानी कलामी भी नोटिस भेज सकता है, उसको जाके बता सकता है। और उस नोटिस के अंदर उसने क्या चीज मेंशन करनी है, अपनी इंटेंशन मेंशन करनी है। उसने ये बताना है कि वो इस टेनेंसी को रिलिंक्विश करना चाहता है। अब कब बताना है, उसने ये नोटिस कब देना है, जो साल चल रहा है, जो एग्रीकल्चरल ईयर चल रहा है, उसकी 15th जनवरी को टेनेंट ने ये नोटिस भेजना है लैंडलॉर्ड को या उसके एजेंट को। सिंपली क्या है कि जो साल चल रहा है उस साल के खत्म होने से पहले 15 जनवरी से पहले पहले नोटिस देना है टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को। सेकेंडली द टेनेंट मे इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू गिविंग द नोटिस इन अ मैनर मेंशन इन सबसेक्शन 1 अप्लाई टू द रेवेन्यू ऑफिसर ऑन और बिफोर द डेट एफोरसेड टू कॉज द नोटिस टू बी सर्व ऑन लैंडलॉर्ड एंड रेवेन्यू ऑफिसर ऑन रिसीविंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम द टेनेंट शैल कॉज द नोटिस टू बी सर्व ए सून एज मे बी। अब सबसेक्शन 2 कहता है कि टेनेंट या तो डायरेक्टली लैंडलॉर्ड को नोटिस दे सकता है या लैंडलॉर्ड को नोटिस देने के साथ साथ वो ये नोटिस रेवेन्यू ऑफिसर को भी दे सकता है। अगर उसने लैंडलॉर्ड को नोटिस नहीं दिया तो वो डायरेक्टली रेवेन्यू ऑफिसर को भी दे सकता है या लैंडलॉर्ड को देने के साथ साथ भी वो रेवेन्यू ऑफिसर को ये नोटिस दे सकता है। और बिल्कुल उसी तरीकाकार के मुताबिक जो हमने सबसेक्शन 1 में डिस्कस किया है। और रेवेन्यू ऑफिसर को जब ये नोटिस मिलेगा तो वो इस नोटिस को, उसका काम क्या है, लैंडलॉर्ड तक पहुंचाना, लेकिन उससे पहले उसने कॉस्ट रिसीव करनी है, यानी कि लैंडलॉर्ड तक नोटिस पहुंचाने में जितना भी खर्चा आ रहा है वो खर्चा टेनेंट से रिसीव करने के बाद रेवेन्यू ऑफिसर की ये लायबिलिटी है कि उसने ये नोटिस पहुंचाना है लैंडलॉर्ड तक। Subsection 3, if the tenant does not give the notice in a manner prescribed in this section, he shall be liable to pay the rent of his tenancy for any part of ensuing agricultural year during which the tenancy is not let by the landlord to some other person or is not cultivated by the landlord himself. Subsection 3 कहता है कि अगर तो इस सेक्शन में बताए गए तरीकाकार के मुताबिक टेनेंट लैंडलॉर्ड को नोटिस नहीं भिजवाता अपनी इस रिलिंक्विशमेंट से रिलेटेड, तो उसके ऊपर क्या लायबिलिटी आएगी कि उसने उस जमीन का रेंट पे करना है उस वक्त तक जब तक लैंडलॉर्ड के नोटिस में ये बात नहीं आती कि इसने ये ज़मीन छोड़ दी है। ऑब्वियसली अगर आप लैंडलॉर्ड को नहीं बताएंगे तो लैंडलॉर्ड इसको फर्दर किसी को सबलेट नहीं करेगा, उसने किसी और को ठेका नहीं दिया होगा, या फिर उसने अपनी तरफ से उस ज़मीन पर कोई कल्टीवेशन नहीं की होगी, क्योंकि उसके नोटिस में तो यही है कि ज़मीन आपके पास है। सो अगर आप विदाउट नोटिस रिलिंक्विशमेंट कर देते हो तो टेनेंट के ऊपर क्या जिम्मेदारी आती है कि उसने उस वक्त तक ज़मीन का रेंट पे करना है जब तक लैंडलॉर्ड के नोटिस में ये चीज नहीं आती। सो सेक्शन 36 ने क्या कहा, सिचुएशंस डिस्कस कर दी कि फिक्स टर्म के अलावा कोई टेनेंट है तो उसकी रिलिंक्विशमेंट किस तरह से होगी। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 37 के ऊपर। सेक्शन 37 बात करता है रिलिंक्विशमेंट ऑफ द पार्ट ऑन द ऑफ द टेनेंसी। अब ये सेक्शन कहता है कि अगर टेनेंसी का कुछ हिस्सा टेनेंट रिलिंक्विश करना चाहता है तो उस सूरत हाल में क्या चीज़ फॉलो अप होगी, कैसे वो रिलिंक्विशमेंट करेगा। सो सेक्शन 37 कहता है अ टेनेंट कैन नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज लैंडलॉर्ड रिलिंक्विश अ पार्ट ओनली ऑफ हिज टेनेंसी। कि टेनेंट अगर टेनेंसी का कुछ हिस्सा रिलिंक्विश करना चाहता है और बाकी हिस्से पर वो कल्टीवेशन कर रहा है लेकिन वो कुछ हिस्सा रिलिंक्विश करना चाहता है तो ऐसी सूरत में उसे लैंडलॉर्ड की कॉन्सेंट लेनी ज़रूरी है। विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड वो टेनेंसी का कुछ हिस्सा रिलिंक्विश नहीं कर सकता। सो सेक्शन 35, 36 और 37 ने बात की रिलिंक्विशमेंट की कि अगर टेनेंट टेनेंसी को रिलिंक्विश करना चाहता है तो कैसे करेगा। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 38 के ऊपर जो कि डिस्कस कर रहा है अबंडेंटमेंट को।
अब एबंडेंट का मतलब भी क्या होता है, छोड़ना। सो सेक्शन 38 कहता है कि ऑक्यूपेंसी टेनेंट टेनेंसी को किस तरह से एबंडेंट करेगा। अब ऑक्यूपेंसी टेनेंट कौन होता है ये हम ऑलरेडी पिछले सेक्शंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सेक्शन 38 ने सिंपली दो चीज़ों को डिस्कस करते हुए कहा है कि अबंडमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट किस तरह से होगी। If a tenant having the right of occupancy fails for more than 1 year without sufficient cause to cultivate his tenancy either by himself or by some other person, पहली बार कि अगर तो कोई टेनेंट क्लेम कर रहा है कि उसका इस ज़मीन के ऊपर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, लेकिन उसने एक साल से ज़्यादा अरसे तक उस ज़मीन के ऊपर कोई कल्टीवेशन नहीं की और इस चीज़ के उसने कोई सफिशिएंट रीजंस भी प्रोवाइड नहीं की कि किस वजह से वो कल्टीवेशन करने में नाकाम हो चुका है, या तो उसने खुद नहीं की या किसी और पर्सन के थ्रू उसने कल्टीवेशन नहीं कराई, फर्स्ट। एंड सेकेंडली and to arrange for the payment of the rent thereof as it falls due, और उस ज़मीन के ऊपर उसने अभी तक रेंट पे नहीं किया, वो रेंट अभी तक ड्यू है, वो क्लेम कर रहा है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी लेकिन उसने उस ज़मीन का किराया नहीं दिया, देन द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी शैल बी एक्सटिंग्विश्ड फ्रॉम द एंड ऑफ दैट ईयर, तो उसका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है वो उस साल के एंड होने तक ख़त्म हो जाएगा। सिंपली दो चीज़ें थी, एक साल से ज़्यादा अरसे तक ज़मीन को कल्टीवेट नहीं किया या उस ज़मीन का रेंट पे नहीं किया तो उस ऑक्यूपेंसी टेनेंट की टेनेंसी अबंडेंट हो जाएगी। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 35 से सेक्शन 38 तक, जिसमें हमने चैप्टर 6 के पहले दो पार्ट्स को डिस्कस किया है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।